मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन IPA रजिस्टर्स का नेशनल प्रेसिडेंट। आज IPA न्यूज़ की टीम आई हुई है प्रगति मैदान, और आज यहाँ लगा हुआ है फोटो वीडियो एक्सपो, जिसके अंदर देश भर के सभी फोटोग्राफर यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार आ रहे हैं। फोटोग्राफी का यहाँ पर एक मेला है, जहाँ पर सभी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, अपने नए नए प्रोडक्ट, अपने कैमरे सभी लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। और आज उसी मेले के अंदर मैं IPA न्यूज़ की तरफ से राजेंद्र गुप्ता यहाँ उपस्थित हूँ। और ये आकार जो कि इसके एग्जीबिटर हैं, उनका लाउंज है, और आकार के लाउंज के आगे मैं खड़ा हूँ। और हमारी एसोसिएशंस को और लोगों को यहाँ पर बैठने की जगह मिली हुई है। यहाँ पर जो इंतज़ाम है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। अब की बार कैनन और पैनासोनिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन बाकी निकॉन है, सोनी है और कंपनियाँ हैं, नए नए एल्बम बनाने वाले हैं, सभी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी एग्जीबिशन में मैं खड़ा हूँ सोनी इंडिया के स्टॉल पर। सोनी एक जाना माना नाम, कैमरे कहते हैं कि 60-70% कैमरे सोनी के इस्तेमाल होते हैं। यूँ तो कंपनियाँ और भी हैं, कैनन है, पैनासोनिक है, निकॉन है, लेकिन इस एग्जीबिशन में कैनन और पैनासोनिक नहीं आए हैं। और सोनी, मैं भी एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं भी सोनी के कैमरे इस्तेमाल करता हूँ और सोनी का फ़ैन हूँ। सोनी इंडिया का जहाँ तक सवाल है, इनका एक सर्विस सेंटर है, जहाँ पर कोई भी फोटोग्राफ़र अपने कैमरे की फ्री सर्विस करा सकता है, अपने लेंसेज की फ्री सर्विस करा सकता है। फोटोग्राफर के लिए एक सौगात है। मैं बात करता हूँ उनसे, उनका परिचय जानते हैं और पूछते हैं कि सोनी इंडिया को इस एग्जीबिशन से क्या मिला, क्या वो फोटोग्राफर के बारे में सोचते हैं और क्या कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं। मेरा नाम शमशाद अहमद है, हम सर्विस देखते हैं दिल्ली रीजन में, और यहाँ पे हमने हर फोटोग्राफर के लिए वो फैसिलिटी दी है जो वो सॉफ्टवेयर कर सके, इन सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सके, क्लीनिंग करा सके और उसको सर्विस करवा सके, सारी चीज़ें। थैंक यू शमशाद जी। ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि कल मैं भी अपना सोनी M4 एक लेंस लेकर आया था, उसी कैमरे को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर फ्री सर्विस मिली है और उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है। और मैं IPA न्यूज़, जो कि हमारे इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का एक डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल है, मैं उनसे थैंक यू कहूँगा सोनी को, जिनकी तरफ से ये सारा ये पूरा स्टॉल लगाया गया है फोटोग्राफी की सर्विस के लिए। थैंक यू शमशाद साहब, मिलते हैं दोबारा। श्योर सर। सोनी का जैसे स्टॉल लगा है, उसी तरीके से निकॉन ने भी अपना एक सर्विस स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं। और यहाँ पर भी जो निकॉन के कैमरा होल्डर हैं, जो उनको यहाँ पर फ्री रिपेयरिंग सर्विस या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जा रहा है। और यहाँ भी वही प्रोसीजर है कि किसी भी कैमरा लेकर के उनको एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, स्टूडियो का नाम, प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद एक या दो घंटे के अंतराल पर उनको वापस किया जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड करते हैं
और जो भी माइनर कोई कमी होती है, लेंस साफ़ करने हैं या कोई सेंसर साफ़ करने हैं, उसको ये करके देते हैं। निकॉन के सर्विस सेंटर जो यहाँ पर लगा था, उसके बाद ये निकॉन का स्टॉल है। देखो, मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन से मैं हूँ। हमारा एक डेडिकेटेड फोटोग्राफर्स के लिए न्यूज़ चैनल आईपीए न्यूज़ के नाम से, एरिया सेल्स मैनेजर जो कि दिल्ली और हरियाणा के हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या एग्जीबिशन का रहा। सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। हमने कस्टमर्स के लिए सारी नई लाइनअप लगाई है। हमारा नया मॉडल एक आया है लेंस 18600, वो भी लगाया है। एक हमारा जो नया लेटेस्ट मॉडल लॉन्च होने वाला है ZF, उसकी भी हमने अभी कमिंग सून का वो पोस्टर बनाया है। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें लोगों से, लोग क्वेरीज कर रहे हैं, फिर उसके ZF के बारे में भी, Z8 के बारे में बहुत अच्छा हमें वो मिल रहा है फीडबैक। लोग बुकिंग्स करा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का अभी तक। सोनी के बाद यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है फुजी फिल्म का, बलानी साहब हैं और फुजी के सारा सेल्स वगैरह बता रहे हैं, देखते हैं। तो पूछते हैं इससे, इस एग्जीबिशन के अंदर 2023 के अंदर कैसा रिस्पॉन्स रहा, बताइए। सर, रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा रहा। आज है तीसरा दिन और पहले दो दिन बहुत ही कमाल थे। हमने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स और लेंसेज अपने डिस्प्ले किए हैं। XS20 और GFX, ये दो ऐसे कैमराज हैं जिनका बैग खाली नहीं हुआ है दोनों दिन, और एक उम्मीदों से ज़्यादा बुकिंग्स थी यहाँ पे इन दोनों कैमराज की, GFX 100S और आपका XS20। बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है अब तक। हम खड़े हैं सोनी के काउंटर पर और मेरे साथ हैं पुनी सबलानी, जो कि इनके सिनेमा जो सीरीज है उसके ट्रेनिंग मैनेजर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि कैनन और पैनासोनिक नहीं है जी, और आप मार्केट को लीड कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल चलाने के बाद आप ही के कैमरे इस्तेमाल करता हूँ और M4 लिए खड़ा हूँ जी। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा इस एग्जीबिशन का? ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, क्राउड काफ़ी आया यहाँ पे। आज भी काफ़ी क्राउड है, कल भी बहुत क्राउड था। सबसे अच्छी बात रही कि रीज़न बिकॉज हमारे कैमरा अभी टेक्नोलॉजी लीड कर रही है, तो हमारे जितने भी न्यू लाइनअप है, चाहे वो हमारे वीडियो कैमराज हों, चाहे सिनेमा कैमराज हों, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, वो सब हमने यहाँ लगाई हुई है। कस्टमर्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको। हमारे फोटोग्राफी कैमराज भी लगे हैं यहाँ पे, अल्फा सीरीज कैमराज, जैसे आप M4 चला रहे हैं तो M4 भी है यहाँ पे। सारे जी मास्टर लेंसेज लगे हुए हैं जो हायर एंड रिजल्ट देते हैं फोटोग्राफर्स को, वीडियो को, तो सब लगाया हुआ है यहाँ पे, सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कितना परसेंट लीड करते हैं अभी हम लोगों का जो मार्केट शेयर है फुल फ्रेम के अंदर, वो 71% है मेरा इंडियन इंडस्ट्री का। मैं भी बोल रहा था कि 70% जो है फोटोग्राफर सोनी यूज़ कर रहे हैं, सोनी यूज़ करते हैं, और वीडियो में मार्केट जो है वो सिनेमा के अंदर 100% चल रहा है। तो जो कॉम्पैक्ट सिनेमा कैमराज हैं वो ऑलमोस्ट हमारे ही सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। और एग्जीबिशन में आने के लिए और फोटोग्राफर्स के लिए डेडिकेटेड एग्जीबिशन लगाने के लिए थैंक यू सो मच। सर, मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, आईपीए न्यूज़ और इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन मैं चलाता हूँ, और ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और नंबर 1 है, और दूसरी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपका स्वागत है इसके अंदर। आप अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या क्या बनाते हैं? हमारा जो है प्रोको पेटर पेस के नाम से पिछले 25 साल से हम काम कर रहे हैं इस काम में, और स्टूडियो का काम भी करते हैं, कस्टमाइज स्टूडियो बना कर देते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है, डिफ्यूज़र है, रिफ्लेक्टर्स हैं, स्कीमर्स हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमाइज बना कर देते हैं लोगों को, और स्टूडियो सेटअप पूरा बना कर देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रो कूप इंटरप्राइजेज के नाम से इनकी फर्म है। स्टूडियो सेटअप अगर बनाने में मैंने नाम सुना था इनका, तो इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ और मैं इनकी सेवाएँ लेने वाला हूँ। तो किसी भी अपने फोटोग्राफर भाई को स्टूडियो सेटअप बनाना हो तो एक अच्छा नाम है इनका, अच्छा काम है, तो उम्मीद करते हैं कि तरक्की करें। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत अच्छा है, रेगुलर पिछले 10 साल से एग्जीबिशन में रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा है, थैंक यू रोजी।
एक एग्जीबिशन का आज तीसरा दिन है और हम खड़े हैं आकार एग्जीबिशन के लाउंज के अंदर। और एक एग्जीबिशन के अंदर एक अट्रैक्शन जो मुझे सबसे अच्छा लगा, फोटोग्राफर आज फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी बक बक और झिकझिक लगाए रखता है, ग्रुप बने हुए हैं। मैं भी एक नेशनल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, नेशनल प्रेजिडेंट टू इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का, जिसमें हमारे हज़ारों मेंबर्स हैं। तो हमें एक मैसेज देने के लिए या बात करने के लिए हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप को खंगालते हैं किसी से मिलने के लिए, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वी स्नैप यू के नाम से है और इसको एक दो मेरे साथ भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कंसेप्ट है, इसका क्या प्रोसेस है और उसका क्या फ़ायदा है। आपका आईपीए न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्लेटफॉर्म दिया। नाम परमिंदर साहनी सर। परमिंदर साहनी जी, अपने इस वी स्नैप यू के बारे में बताइए, क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है, क्या इसका प्रोसेस है जी, और कैसे फोटोग्राफर इससे जुड़ेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं। परफेक्ट सर। सर अभी हमारे पास 1500 फोटोग्राफर ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं जिनको हमारी तरफ से जॉब दी जाती है। ये भारत के बहुत डिफरेंट सिटीज़ में ये सारी जगह प्लेस्ड हैं। इसके अलावा ये हम अंतर्राष्ट्रीय भी अवेलेबल हैं। हमारे पास 150 सिटीज़ में फोटोग्राफर अभी अवेलेबल है। जो भी फोटोग्राफर है वो join.vsnapu के वेबसाइट पे जाके, हमारे वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकता है। उसको अपनी डिटेल्स, अपना काम, अपनी सैम्पल फ़ोटोज़, कैमरा इक्विपमेंट कौन से हैं, कौन सी सिटी से है और कौन सी सिटी वो काम के लिए ट्रैवल कर सकता है, ये सारी डिटेल जाननी रहती है। वो जैसे ही उसको हमारे वेबसाइट में इसको रजिस्टर कर लेता है, हमारे बैकेंड से उसको अप्रूव किया जाता है, फोटोग्राफर को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होने पे उसको अप्रूव किया जाएगा और वो होने के बाद फिर उसको जॉब आना अपने आप चालू हो जाती है। हमारे पास जॉब का सिस्टम बहुत ही सिंपल है हमारे वेबसाइट पे लॉक करने का। जैसे उसका अप्रूवल आ जाता है तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज में जॉब आती है, उसको जाके उस लोकेशन पे शूट करना है, शूट के अगेंस्ट में डेटा अपलोड करना है और उसका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। एडिटिंग हम अपने सर पे लेते हैं, हमारे पास सेंट्रलाइज एडिटिंग टीम है 40 लोग की जो एडिट और डिलीवर करती है। तो फोटोग्राफर जो सबसे बड़ा सरदर्द है एडिटिंग, वो हम उससे ले लेते हैं। उसको जाके शूट करना है अपने क्रिएटिव स्टाइल से जो हम उसको SOP देंगे और उसको वो हमको डिलीवर कर देना है। तो क्योंकि हम कुछ नया करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो जैसा आपने बोला कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जनरली वीडियो में हम प्रीमियर प्रो पे जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट शेयर ज़रूर हो जाते हैं, उनका क्लाउड का बहुत अच्छा इनपुट है कि डिफरेंट एडिटर्स है, एक एडिटर दूसरे का प्रोजेक्ट उठा। फोटो वीडियो एशिया 2003 ये एक्सपो जो है इस फोटोग्राफर्स के लिए डेडिकेटेड है और इसके ऑर्गेनाइजर हैं आकार, और आज मेरे साथ आकार से परिमल मेहता जी हमारे साथ हैं जो कि गुजरात बेस्ड हैं लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजर और एग्जीबिटर जो है ये पूरी इंडिया के अंदर इनके मेरे ख्याल से 100 के करीब एग्जीबिशन ये लगाते हैं अलग अलग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग ट्रेड्स के लिए। और इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन का डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल है IPN न्यूज़ इंडिया, जो कि एक रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल है, वेब चैनल है। तो मैं परिमल मेहता जी से पूछूँगा कि एग्जीबिशन से क्या फोटोग्राफर्स के लिए डेडिकेटेड है, वैसे तो ये तो फोटोग्राफर्स के लिए क्या सोच के ये लगाते हैं और इस समर्पण से क्या मिलता है, मैं बात करूंगा परिमल मेहता जी से। नमस्कार सर, जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आईपी न्यूज़ के अंदर और मैं थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा कि थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। और विल बी ओब्लाइज सर, हम मैं आकार एग्जीबिशन से परिमल मेहता, जैसे सर ने बताया ये एग्जीबिशन हम फोटो वीडियो एशिया जो लगाते हैं 2016 से दिल्ली में लगाते रहे हैं हर साल। हमारा हेतु एक ही था कि यहाँ पे जो एग्जीबिशन हुआ करते थे पहले उसमें एंट्री फ़ी हुआ करती थी, फोटोग्राफर का रिस्पेक्ट नहीं हुआ करता था, जो एसोसिएशंस आपके जैसे जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फोटोग्राफर के लिए उनको भी कोई सम्मानित नहीं करता था। हमने यहाँ पे आके सभी फोटोग्राफर को एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे उनका मान सम्मान है, कंपनियों को एक साथ मिलने का मौका मिलते हैं। जैसे अगर फोटोग्राफर चाहे तो 200-250 कंपनी को मिलते मिलते उसको एक साल लग जाएगा, उसको कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स है वो देखने ही नहीं मिलती है। यहाँ पर आएंगे उनको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मिलती है, सभी कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है और अपने जैसे एसोसिएशन जब हम इकट्ठा होकर एक ऐसा त्यौहार मनाते हैं, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फोटोग्राफी यू नो इन इंडिया। तो ये हमारा हेतु था कि हम लोग एक ऐसी प्लेटफॉर्म खड़ी करें जहाँ पे सबको खुद का लगे, और ये आप जैसे मानोगे कि आपको भी ये खुद का लग रहा है, बाकी फोटोग्राफर को भी पूछोगे तो उनको ये लगेगा कि यहाँ पे कंफर्टेबल है उनके लिए। इस बारे में परमल जी कोई दो राय नहीं कि हम साल के अंदर एक एग्जीबिशन के कारण हम लोग 3 दिन एक मेले के रूप में यहाँ पर परिवार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और मेरे जैसी और भी एसोसिएशंस हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ हो सकता है बड़ी हों, जो अपने को बड़ी कहती हैं मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होने के नाते तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आकार जो हमें देता है जहाँ पर हम एक त्यौहार के रूप में एग्जीबिशन में इकट्ठे होते हैं और जिन फोटोग्राफर से हम कभी नहीं मिले होते उनसे इस प्लेटफॉर्म पर आके मिलते हैं। जहाँ तक परिमल जी ने बताया कि कंपनियों का सवाल है,
कोई कंपनी यहाँ पर आके पता चलता है कि वो कंपनी हमारे बराबर ही रन कर रही है, और यहाँ पे आके पता चलता है कि ये कंपनी हम जिसको बाहर की चाइनीज़ कंपनी या कहीं बाहर का देश की कंपनी समझते थे वो हमारे पड़ोस की कंपनी है। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक मेरा सवाल है और हमारी एसोसिएशन का सवाल है, वी आर डेडिकेटेड टू आकार, क्योंकि आकार ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो सभी को एक परिवार की तरह इकट्ठा कर देता है। साल में 3 दिन हम जो है सब कुछ भूल करके हम आकार के समर्पित गेस्ट होते हैं। बिल्कुल सर। और जहाँ तक इनका डेडिकेशन का सवाल है फोटोग्राफर्स के प्रति, एसोसिएशन के प्रति, बहुत बढ़िया होता है। हम यहाँ पे एक मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और परिमल जी थैंक यू वेरी मच, आपका सहयोग, आपका डेडिकेशन फोटोग्राफर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। IPA न्यूज़ चैनल से आज हम आए प्रगति मैदान में, फोटो एशिया का लगा हुआ है ट्रेड फेयर, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे है KK जैन कलर लैब लखनऊ से। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं सुनील जैन और अपने लैब में SP Indigo 5900 इक्विप्ड है, जो कि 7 कलर का प्रिंटिंग करती है, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग है अपने यहाँ, और अपने कॉम्बोज भी अच्छे हैं जिसको फोटोग्राफर भाई लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रदान करने की अपेक्षा रहती है। सर अभी हमने देखी है आपके लग्जरी बॉक्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा क्या करते हैं, क्या स्टाफ रखा हुआ है आपने? एक क्वालिटी के लिए तो अपने जैसे किसी जो सामने यार जो परचेजिंग है या कुछ भी है उसमें हाई क्वालिटी का हमेशा हर वक्त कोई भी डिग्रेड आइटम्स नहीं खरीदते हम लोग। बाकी अपने जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन कर रखा है हाई, जब भी कोई प्रॉब्लम होती भी तो उसको रिजेक्ट करके नया फिर बॉक्स बनाया जाता है, नया कॉम्बो बनाया जाता है। अगर हम रेट की बात करें, प्राइस की, मार्केट से और भी लैब वाले हैं, पेंटिंग वाले हैं, और आपके पेंटिंग के रेट अप्रोच कैसे हैं? नहीं मेरे कम्पटिटिव है, लेकिन मैं टूवर्ड्स क्वालिटी मेरे, हो सकता है कई लोग रेट हमसे नीचे दे दें लेकिन क्वालिटी में हम लोग उनसे ऊपर ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और क्वालिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यही मेरा कहने का है कि आप लोग क्वालिटी को देखिए, कस्टमर को आप जो एल्बम देंगे प्रेजेंट करेंगे वही आपका मेन आपका वो काम है, वर्क है फोटोग्राफर भाई लोगों का। और जब एल्बम आपने डिलीवर किया वो हाई लो क्वालिटी की एल्बम हुई तो फिर आपके वर्क को भी ख़राब कहा जाएगा। तो मेरा कहने का यही है कि लोग अपने प्राइस को से ज़्यादा क्वालिटी वर्क पर, ज़्यादा फिनिशिंग वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें।